क्लिप्स में स्वागत है आपका बस देखते रहो और सीखते रहो जब लोगों को पहली बार ये लगा कि शायद टी ट्वेंटी इज द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट आप मानते हो कि टी ट्वेंटी इज द प्रेजेंट ऑफ क्रिकेट आई थिंक इट्स द मोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट हो गया है टेस्ट uh, क्रिकेट का कोई सानी नहीं है uh, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है uh, जितना बड़ा गेम होता है उतना आपको वो स्किल वो फिटनेस वो टेक्निक वो मेंटल टफनेस जो होता है कि भैया आप अगर आप मेरी बात करोगे एज अ बैट्समैन तो भैया 120, 130 ओवर फील्डिंग करना है और 10 मिनट के अंदर आपको पैड पेन के बैटिंग करने जाना है तो ये बहुत आसान नहीं होता है hmm. कि वहाँ सामने आपके शोएब अख्तर खड़ा हुआ है और आप 130 ओवर फील्डिंग कर रहे हो शॉर्ट लेग के ऊपर खड़े हुए हो आप ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहे हो एंड विद इन टेन मिनट्स यू आर आउट द बैटिंग तो ये टेस्ट क्रिकेट में ही हो सकता है तो जितना बड़ा गेम होता है उधर स्किल आपकी यू नो you know, उसको शॉर्टकट नहीं है वहाँ पे जो बेस्ट होगा वही सरवाइव कर सकता है बट टी ट्वेंटी क्रिकेट के अंदर आप सरवाइव कर सकते हो आपके पास अगर वो उस टाइप का गेम है और आपके पास वो टेस्ट क्रिकेट इसीलिए आप देखोगे कि जो बड़े बड़े टी ट्वेंटी के प्लेयर हैं वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले चाहे वो आप पोलार्ड की बात कर लो नो डिसरिस्पेक्ट टू है चाहे दूसरे आप प्लेयर्स की मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ बट वो जानते हैं कि भैया वो टेस्ट क्रिकेट के बहुत मुश्किल है कि भैया पाँच विकेट निकालने के लिए आपको चालीस ओवर बॉलिंग करना पड़ेगा सौ बनाने के लिए आपको पूरा दिन बैटिंग करना पड़ेगा या आपको छः सौ रन की फील्डिंग करनी पड़ेगी और फिर आपको बैटिंग करनी पड़ेगी और हो सकता है पहली इनिंग में आप आउट हो जाओ फिर आपको वापस से सौ सवा सौ ओवर फील्डिंग करनी है फिर आके बैटिंग करनी है तो कोई शॉर्टकट नहीं है कोई बचने का रास्ता नहीं है सर आप तीन ऐसी चीज़ों को शेयर कर सकते हो जो शायद क्रिकेट फैंस को टेस्ट क्रिकेट के बारे में नहीं पता है जो सिर्फ प्लेयर्स को पता रहती है कि ये होती है रियलिटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट ऐसी तीन चीज़ें क्या है आई I मीन mean, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ना कि मेंटल मेंटल टफनेस हाँ क्योंकि जितना बड़ा गेम होगा उतना भागने का रास्ता कम है उधर आपको जो बेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा इसीलिए आजकल के जो बच्चे हैं वो अवॉइड क्यों करते हैं फोर डे फाइव डे क्रिकेट खेलना वो इसी रीज़न से के लिए कि वो टॉयल नहीं करना चाहते जी कि वो 25 ओवर या 20 ओवर दिन में नहीं डालना चाहते डाल सकते हैं बट वो शॉर्टकट ढूंढते समझ रहे जी कि भैया मैं चार ओवर डाल के अगर इतने पैसे कमा रहा हूँ तो ये करने की क्या ज़रूरत है यहाँ पर पैसा भी कम है यहाँ पर रिकग्निशन भी नहीं है आ, बट बहुत कम लोग होंगे जो सचिन तेंडुलकर हैं विराट कोहली हैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल है, है ना जो ग्रेटेस्ट प्लेयर राहुल द्रविड है फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी हम इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं क्योंकि ये वो हार्ड वर्क करके आए हुए हैं जी पुजारा फॉर देट मैटर कि भैया सौ बनाने के लिए पूरा पूरा दिन खेल रहे हैं पूरा पूरा दिन खेल रहे हैं ठीक है अभी टाइम थोड़ा चेंज हो गया है अभी हम टी ट्वेंटी की तरफ आ गए बट ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट हो गया तो आई डोंट माइंड दिस मुझे नहीं लगता है कि बुरा है अगर आज का कोई यंगस्टर टी ट्वेंटी को प्रायोरिटाइज़ कर रहा है तो आई डोंट थिंक दैट इज़ रॉन्ग बट आप दूसरे फॉर्मेट को नहीं छोड़ना चाहिए ये मेरा ये सोच सिर्फ बदलना चाहिए कि भैया जब तक आप तीस बत्तीस साल के हो और आपकी फिटनेस अलाउ करती है तो आपको तीनों फॉर्मेट खेलने को देखना चाहिए और तीनों फॉर्मेट में सर्वाइव करने की कोशिश करना चाहिए वो स्किल सेट डेवलप करना चाहिए hmm. राधर देन चूजिंग जस्ट वन फॉर्मैट ये शायद क्रिकेटर्स समझते हैं आई डोंट नो अगर क्रिकेट फैंस इस बात को समझते हैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस सेंटेंस को थोड़ा एक्सप्लेन करो क्यों कहा जाता है कि इफ यू आर अ टेस्ट प्लेयर यू कैन प्ले टी ट्वेंटी एज वेल इज इट ट्रू कि अगर आप टेस्ट इंटरनेशनल लेवल पर खेल सकते हो तो यू माइट बी एबल टू क्रैक टी ट्वेंटी सच है झूठ है आप क्या मानते हो? आई I मीन mean, मुझे ऐसा लगता है कि इट वर्क बोथ वेज क्योंकि मैं नहीं कहूँगा कि ये सच है क्योंकि आपके पास वो बेसिक होना जरूरी है इसमें कोई दो राय नहीं है बट आपको अब अब ऐसा हो गया ना कि आप बच्चे को पहले आप मारना सिखाते हो अगर आप कोचिंग कर रहे हो आज की तारीख में तो आप उसको बोलोगे कि भैया थोड़ा मारो क्योंकि आप डिफेंस करना सीख जाओगे लेकिन पहले वो स्किल डेवलप करो कि आपको मारना है बॉल क्योंकि अब गेम वैसी चली गई अब टेस्ट क्रिकेट भी उसी तरह से खेला जा रहा है जी तो आई आई डोंट थिंक जो आप बोल रहे हो वो शायद अब इतना वो आ, सच है रेलेवेंट है ओके हाँ पाँच आई थिंक आपके पास वो बेसिक होना ज़रूरी है कि अगर थोड़ा सा टफ मोमेंट्स है तो मैं उसको सर्वाइव कर लूँ बट उसके बाद आपको रन बनाना है hmm. तो वो रन बनाने के लिए आपको वो अटैकिंग एबिलिटी डेवलप करना है आकाश चोपड़ा ने शो पर आकर ये समझाया था हाँ. कि हर बैट्समैन को पता रहना चाहिए कि उसके खुद के के टेक्निक थ्रू रन स्कोर कैसे हो सकते हैं एज एन प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स फिर उन्होंने कहा कि विराट कोहली ने यह बहुत जल्दी सीख लिया था लाइफ hmm. में इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट ये बिल्कुल कि... बिल्कुल और मैं कहूंगा कि सचिन तेंदुलकर ने उससे भी पहले सीख लिया था क्योंकि वो तो पंद्रह साल में टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे तो वो आपको पता होना चाहिए कि भैया मैं रन कैसे बनाता हूँ और इस, मैं अगर इसका इसका मतलब क्या सर? है नॉन क्रिकेटर्स को समझाइए आई थिंक कभी कभी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये ड्यूल बैट्समैन और बॉलर के बीच में होता है तो जब आप थोड़ा सा अंडर प्रेशर हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसे इसके इसके ऊपर आऊँ आप अगर जैसे विराट कोहली को देखते हो उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चलता है कि भैया हाँ ये बॉलर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता और कभी कभी बैट्समैन ऐसे होते हैं कि वो Uh, बॉलर उन पर हावी है लेकिन आप समझ जाते हो कि भैया ये कुछ कर नहीं पा रहा है ही इज़ लाइक अ सिटिंग डक एक तरह से मैं अगर कहूँ तो कि वो काउंटर अटैक नहीं कर पा रहा तो वो बैट्समैन को थोड़ा अंडरस्टैंड करना वो बॉडी लैंग्वेज से आता है और ये सारी चीज़ें खेलने से आती है कि आप फंसे हुए हो ये आपको दिखाना नहीं है बॉलर को hmm. आपको उसके ऊपर चढ़ के वो करना है <laughs> कि भैया उसके ऊपर प्रेशर आपको डाइवर्ट करना है ना कि आपको ऐसा लगे कि भैया हाँ आप डालो और मैं आउट होकर चला जाऊँ इन इन अदर वे तो अगर आप फंसे हुए हो आपको लग रहा है चीज़ें मुश्किल है तो यू डू समथिंग उसको काउंटर पंच करो कि भैया आप प्रेशर उनके ऊपर डालो और अगर आप वो पीरियड खेल के निकल गए तो देन चीज़ें आसान हो जाती है तो ये चीज़ आपको खेलने से आती है एक्सपीरियंस से आती है इंटरनेशनल लेवल पर भी ऑब्वियसली यही होता होगा बिल्कुल मेंटालिटी वर्सेस मेंटालिटी वर्सेस मैंटालिटी ये क्योंकि मेंटल गेम एक सर्टन एज के बाद में वो टैलेंट वहीं रह जाता है आ, बाकी चीज़ें क्योंकि सारे एक ही लेवल पे हैं जी तो जो मेंटली टफ़ है जो ऑब्वियसली मैं जो बात आपको बता रहा हूँ जो ये सारी चीज़ें करता है वो ज़्यादा रन बनाता है और ऑब्वियसली वो बैटल जीतता है तो विराट कोहली विराट कोहली इसी वजह से है क्योंकि वो यू नो you know, वो मेंटल लेवल पर उनसे आगे है कि वो इवन दो ही माइट भी फीलिंग लो बट वो दिखाते नहीं हैं यू नो ही गोज़ आउट देयर एंड and he पैक्स अ पंच तो वो होना चाहिए एक्टिंग का एक एलिमेंट होता है इसमें आई I मीन mean, वो आपको करना होता है बिल्कुल क्या आपको दिखाना नहीं है कि भैया कि मेरे मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ अगर आप स्ट्रगल भी कर रहे हो तो आपकी बॉडी से वो पता नहीं चलना चाहिए कि बॉस मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूँ लेकिन हमको वो ट्रांसफ़र करना है दूसरों के ऊपर जो विविन रिचर्ड शायद आपने देखा होगा पुराने टाइम में विराट कोहली अभी है ब्रायन लारा सचिन तेंदुलकर अगर हम ग्रेट रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू हेडन है वो बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बहुत मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट में इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज़रूरी होता है वो बॉडी लैंग्वेज आप यू नो इम्पोज करो ऑपोजिशन के ऊपर बोलर्स के ऊपर आज के इंडियन यंगस्टर्स में ये वाली ट्रेड किस में है आपके अकॉर्डिंग जो बैट्समैन है यशस्वी में है यशस्वी के अंदर है शुभमन के अंदर है आई थिंक बहुत लोगों के अंदर है क्योंकि ये सारे अभी इतने साल से आई खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो आई थिंक ये जो दो तीन चार नाम लिए मैंने ये इनके अंदर है वो चीज़ क्योंकि आजकल के यंगस्टर्स बहुत पॉजिटिव हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव और वो गेम को बहुत जल्दी समझ जाते हैं जी दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ